हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और उसमें हम पेपर वन के एक हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर फोर्थ, उसके कुछ एमसीक्यूज मैं आपके सामने शेयर करूंगा। दिस इज सीरीज नंबर 12th। इससे पहले 11th पार्ट्स ऑलरेडी हमारे रिलीज हो चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब हमने एक नई प्रैक्टिस ये की है कि पहले ये क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, आप वहाँ सॉल्व करेंगे और आपको अपनी रैंकिंग पता लगेगी। जितने भी बच्चे हमारी ऐप को यूज़ कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो पेड यूज़र हैं, उनकी रैंकिंग पता लगती है, यानी आपको अपना वाटर लेवल टेस्ट होगा कि मुझे ये सब्जेक्ट कितना आता है। तो ये एक नया तरीके का कंसेप्ट होगा कि आप अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, हम डेली बेसिस पर डालेंगे, उसके बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा वीडियो के फॉर्मेट में। सो दैट आप प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको पता लगेगा मेरी रैंकिंग क्या चल रही है और आंसर आपका राइट क्या होगा, उसके लिए आप वीडियो देखें। तो आज हम करेंगे कम्युनिकेशन के अंदर हमारा सीरीज नंबर 12th। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में दिया गया था, दैट वाज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड। सी, कम्युनिकेशन के अंदर हमने दो पार्ट पढ़ते हैं, एक होता है वर्बल। वर्बल में दो पार्ट आते हैं, ओरल एंड रिटन। वर्बल में क्या आता है? ओरल और रिटन। और नॉन वर्बल में क्या आता है? आपका थ्रू जेस्चर्स, थ्रू फेस एक्सप्रेशन, थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू साइंस, सिंबल्स, उस तरीके से जो हम बात करते हैं इससे, उसको क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आंसर पूछा गया आपसे, इट इज कंसीडर्ड एज फॉर्मल, कल्चर फ्री, इनफॉर्मल, प्रिसाइज। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल। यूजली वी डू यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन आर इनफॉर्मल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू द फंक्शन ऑफ मास। हमारे यहां आता है मास कम्युनिकेशन। तो इसका फंक्शन क्या है? सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस, इशू, इवेंट एंड सोसाइटल डेवलपमेंट इज नोन है। सो क्या बोलते हैं हम इसको? बोलते हैं साहब कंटेंट सप्लाई। क्या बोलते हैं? कंटेंट सप्लाई करना। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में ये काम होता है। 13th पे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था हमारे यहाँ, डायरेक्ट टू होम DTH सर्विस कब स्टार्ट हुई थी? जस्ट क्रैम इट इन द ईयर 2004। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DTH के नाम से सर्विस शुरू की थी। और आज की डेट में खासकर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ई कंटेंट बहुत जरूरी होता है पढ़ने के लिए। तो डायरेक्ट टू होम के नाम से हमारे यहाँ बहुत से चैनल्स, जिसके अंदर आप देखेंगे स्वयं प्रभा के नाम से एक पोर्टल है, आप वहाँ विजिट करें, आपको तकरीबन 34 DTH चैनल्स आर देयर, जिसके अंदर आपको अपना UG लेवल का, PG लेवल का, स्कूल कैडर का बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिलता है। तो जरूर विजिट करें आप गवर्नमेंट साइट्स को। शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, स्वयं प्रभा मैंने आपको बताया, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। देन आता है 14th, 114, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनहांस्ड। हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बढ़ाने के लिए ऑप्शन क्या है? वन इज बिलोंगिंगनेस, जरूरी है जुड़ाव महसूस करना सेंडर रिसीवर का। सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस शुड बी देयर, होना चाहिए ऐसा। इन्फॉर्मेशन ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, अगेन इट्स गुड ऑप्शन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं साहब सभी ठीक हैं, तो राइट आंसर विल बी द डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, ए गुड कम्युनिकेटर इज द वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस। एक अच्छा कम्युनिकेटर, हम क्या उम्मीद करते हैं कि अपनी ऑडियंस को क्या दे सकता है? प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, गुड अमाउंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, कंसाइज प्रूफ और रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो यहां पर ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे, राइट आंसर आएगा, एक अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो अपनी ऑडियंस को एक प्लेंटीफुल यानी बहुत अच्छी एडिक्वेट मात्रा में जानकारी प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर विल बी द ए। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स ए सपोर्टिव। क्या चाहिए एक अच्छे कम्युनिकेशन को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को? कौन सा इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है? तो अगर आप ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, सन यू विल कम टू नो सोशल इन्वायरमेंट, सबसे जरूरी सामाजिक वातावरण होता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो ये हमारा 116 आया। 117 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहां पर हमसे सिर्फ प्रोसेस पूछा गया कम्युनिकेशन का, तो अगर आप दिए गए ऑप्शन देखेंगे, क्या होना चाहिए साहब? पहले कम्युनिकेटर होना चाहिए, क्या मीडियम पहले या मैसेज पहले? तो इन चारों ऑप्शन के अंदर मैं आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले होना चाहिए कम्युनिकेटर, ही और शी मस्ट हैव ए आइडिया और मैसेज दैट ही और शी इज टू बी इन्फॉर्म। देन ही और शी मस्ट हैव टू चूज ए मीडियम। फिर क्या होना चाहिए? एक रिसीवर होना चाहिए। और फिर क्या आएगा उसका?
इफेक्ट क्या आएगा लास्ट में, फिफ्थ आएगा इफेक्ट. सो दिस इज द राइट प्रोसेस, स्टार्ट फ्रॉम द कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड इफेक्ट. चलिए देन आता है 118, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, लिसनिंग. कम्युनिकेशन में हम बोलते भी हैं, हम सुनते भी हैं, हम देखते भी हैं. तो अगर मैं लिसनिंग की बात करूं, इट कैन बी इंप्रूव्ड बाय, कैसे इंप्रूव हो सकती है, मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव. ऑब्वियसली स्पीकर की वॉइस इफेक्टिव होगी तभी आप सुनेंगे. मेकिंग कम्युनिकेशन मटेरियल नॉवल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, अगेन इट्स गुड ऑप्शन. एंड मेकिंग द फुल अटेंशन. तो ये तीनों चीजें हो पाएंगी तभी हमारा जो लिसनिंग का स्किल है वो बढ़ पाएगा. यानी बोलने वाले के लिए और सुनने वाले दोनों के, अगर मैं सभी पहलू की बात करूं, तो डी आपका राइट आंसर आएगा. चलिए ये बहुत कॉमन आपने देखा होगा, हमारे यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इन्हें क्लासरूम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज सेल्फ इंटरेस्ट इश्यूज, किस लिए, टू जज, क्या जज करना है. देखें आप इसमें ऑप्शन को पढ़ें तो आप समझेंगे. फर्स्ट आंसर, देयर एक्सेप्टेबिलिटी. क्या आंसर है, देयर एक्सेप्टेबिलिटी. किसी भी चीज को देखो, क्लासरूम के टीचर और स्टूडेंट दोनों का कहता, दे यूज सेल्फ इंटरेस्ट इश्यूज. ठीक है, कब, जब उनकी सहमति होगी किसी बात को लेकर. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हेन यूजिंग रिमोट कम्युनिकेशन इट इज द बेस्ट टू, क्या यूज करना चाहिए. तो आप देखें सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर रहेगा, यूज कंसाइज, एक्यूरेट एंड क्लियर स्टेटमेंट्स. दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ए. तो आज हमने 10 क्वेश्चंस किए. कमिंग 10 क्वेश्चंस करने से पहले अगेन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो दैट आप कमिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले करें और आपको पता लग जाएगा आने वाले टाइम में हम किस वीडियो को लेकर आ रहे हैं. तो उम्मीद है ये एफर्ट आपको अच्छे लगेंगे. अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.